शामिल। बीजापुर के तीन खिलाड़ियों ने बनाई जगह, सीएम बघेल ने दी बधाई। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और विस्तार पूर्वक खबरों पर अब नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर से। दरअसल रायपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां जानकारी यह मिल रही है कि राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान मितानिन घर घर जाकर पूछेंगी कि किसे आंख में समस्या है। 15 जून से 15 जुलाई तक अभियान चलाया जाएगा और इस सर्वे में लेप्रोसी की जानकारी ली जाएगी और बस्तर में सर्वे के लिए एक टीम बनाई गई है। बस्तर में एक दिन में 50 घरों का सर्वे कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दरअसल रायपुर में 50 घरों का सर्वे करने का लक्ष्य रखा गया है और ऐसे में जो टीम बनाई गई है वो घर घर जाकर पूछेगी आंख संबंधी कोई परेशानी यदि किसी को है तो उसके लिए राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान के तहत उसका हल किया जाएगा। मितानिन घर घर जाकर आंख के बारे में समस्या पूछेंगी। 15 जून से 15 जुलाई तक यह अभियान चलाया जाएगा और सर्वे में लेप्रोसी की जानकारी ली जाएगी। बस्तर में सर्वे के लिए टीम बनाई गई है। बस्तर में एक दिन में करीब 50 घरों का सर्वे करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो लगभग सभी घरों को कवर करने का प्रयास रहेगा, जिससे कि लोगों की आंख संबंधी यदि कोई परेशानी है, आंखों से देखने में या आंखों में जलन या किसी भी तरह की रैशेज, आंखों से पानी आना, इस तरह की जो आंख संबंधी परेशानियां हैं उसके बारे में सर्वे किया जाएगा। और इससे भी अगर अलग कोई विषय है, किसी की संबंधी परेशानी है आंख संबंधी, तो उसके बारे में भी हल किया जाएगा। और ये जो अभियान चलाया जा रहा है, दरअसल ये अभियान राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान के नाम से चलाया जा रहा है, जिससे लोगों की आंख की समस्या का हल निकाला जा सकेगा और इसके लिए सर्वे करवाया जाएगा। एक दिन में लगभग 50 घरों को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और अब बात मौसम की, जहां उज्जैन में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। तेज आंधी और तूफान के साथ बारिश हुई। तेज आंधी तूफान से अफरा तफरी मच गई और तूफान की वजह से महाकाल लोक में स्थापित कई मूर्तियां गिर गईं और कहीं कई मूर्तियां टूट भी गईं। वहीं तेज हवाओं की वजह से एक दुकान पर पीपल का पेड़ गिर गया और इस हादसे में एक शख्स की मौत भी हो गई, तो ये भी एक दुखद मामला। और साथ साथ तीन तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तेज आंधी तूफान नौतपा चल रहा है और इस नौतपे में ये स्थिति, तेज आंधी तूफान के चलते महाकाल लोक में कई मूर्तियों के गिरने की जानकारी मिल रही है और साथ ही एक दुकान पर पीपल का पेड़ गिर जाने की वजह से हादसे में एक शख्स की जान चली गई और इससे जुड़ी तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उज्जैन में तेज आंधी तूफान के चलते जो नुकसान हुआ उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और ये तेज आंधी और तूफान की वजह से हुआ। दरअसल महाकाल लोक में कई मूर्तियां गिर गईं और एक पीपल का पेड़ गिर जाने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई। और नौतपा में प्रदेश के कई इलाकों में आंधी और तूफान के साथ बारिश हुई। गुना में तेज हवा के साथ जमकर बारिश हुई और ओले भी गिरे। वहीं रतलाम में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। जावरा में आंधी की वजह से बस स्टैंड का स्वागत द्वार गिर गया। वहीं उज्जैन में संदीपनी आश्रम में तेज हवाओं की वजह से एक पुराना पेड़ गिर गया। पेड़ की चपेट में आने से एक बाइक, ऑटो रिक्शा और एक कार क्षतिग्रस्त हो गए। दमोह में आंधी और तूफान के साथ हुई बारिश की वजह से नाला उफान पर आ गया। सतना में भी मौसम का मिजाज बदल गया। तेज आंधी तूफान के साथ जमकर बारिश का दौर जारी है। रीवा के साथ चित्रकूट और मैहर क्षेत्र में भी तूफान ने तबाही मचाई और यहां भी ओले गिरे, कई जगह पेड़ गिर गए और वहीं कई कच्चे मकानों में टीन शेड्स उड़ गए। बिजली की आपूर्ति ठप है। मैहर में विधायक कप टूर्नामेंट में जो पंडाल लगाया गया था वो भी उड़ गया। 5 तस्वीरें इससे जुड़ी हम आपको दिखा रहे हैं। नौतपे में जिस तरह से आंधी तूफान और बारिश का सिलसिला चल रहा है। इन दिनों जहां नौतपे का दौर चल रहा है, ऐसे हालात में तेज आंधी और बारिश देखने को मिल रही है। दमोह जिले में गर्मी के इस मौसम में लगभग हर दिन बारिश हो रही है। रविवार को एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला। तेज आंधी तूफान के साथ घरों के छप्पर, टीन शेड्स,
दुकानें उड़ती नजर आईं। दमोह जिला मुख्यालय के साथ तहसील मुख्यालय पर भी इसी तरह के हालात दिखाई दिए, जहां पर पानी गिरने के पहले तेज आंधी और तूफान से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तेज बारिश का नजारा इस बीच मकानों और दुकानों में पानी भी भरता देखा। दरअसल तेज बारिश के चलते जिले की कई जगहों पर नदी नाले उफान पर आ गए और मड़ियादो क्षेत्र में 2 घंटे तेज बारिश और आंधी तूफान के चलते नाला उफान पर आ गया। रास्ता बंद होने के चलते कई लोग पैदल ही नाले को पार करते नजर आए। नौतपा में ऐसी तेज बारिश कई सालों बाद देखने को मिल रही है। मान्यता यह है कि नौतपा के दौरान यदि पानी गिर जाए तो बारिश प्रभावित होती है। ऐसे में इस साल पूरे गर्मी के मौसम में पानी गिरता रहेगा, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। और सीएम शिवराज ने जायजा लिया, आंधी तूफान में क्या कुछ नुकसान हुआ इसके संबंध में उन्होंने जानकारी ली। सीएम ने फोन पर उज्जैन कलेक्टर से बात की और उज्जैन संभाग में कमिश्नर से फोन पर चर्चा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दरअसल जिस तरह आंधी तूफान और लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते उज्जैन में काफी नुकसान भी हुआ है। एक जगह पेड़ गिर गया और महाकाल लोक में स्थापित कई मूर्तियां गिर गईं, कुछ टूट गईं और एक शख्स की जान भी चली गई। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन कलेक्टर से फोन पर बातचीत की है और ये जानने की कोशिश की आखिर क्या कुछ नुकसान हुआ है और क्या प्रबंध किए जाने की आवश्यकता है, प्रशासन क्या कर रहा है, इसके बारे में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। महाकाल लोक में आंधी तूफान से मूर्ति गिरने का मामला सामने आया, जहां आंधी और तूफान की वजह से मूर्ति गिरने की कांग्रेस जांच कराएगी। मामले की जांच के लिए कांग्रेस ने कमेटी बनाई है। दरअसल सज्जन सिंह वर्मा के साथ 7 सदस्यों की टीम मौके पर जाएगी और टीम निरीक्षण करेगी और इसकी जांच रिपोर्ट कमलनाथ को सौंपी जाएगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। दरअसल ये जो आंधी और तूफान की वजह से मूर्तियां गिरी, इसके बारे में कांग्रेस जांच कराएगी और इसकी एक जांच रिपोर्ट बनाकर पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी के चीफ कमलनाथ को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सज्जन सिंह वर्मा समेत 7 लोग इस कमेटी में शामिल किए गए हैं और ये जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी कमलनाथ को। वो तेज आंधी और तूफान की वजह से जो मूर्तियां गिरी और टूटी, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या कुछ इसके पीछे कारण रहा, इसके बारे में कांग्रेस जानने का प्रयास करेगी। और कांग्रेस ने एक जांच कमेटी बनाई है जिसमें 7 सदस्यों को शामिल किया गया और सज्जन सिंह वर्मा की अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई गई है। उज्जैन में देर रात आंधी ने शहर में गदर मचाया। दरअसल आंधी तूफान के चलते, जोरदार बारिश के चलते यहां जनजीवन प्रभावित हुआ। तूफान के वजह से कई जगह पेड़ गिर गए और पेड़ गिरने की वजह से कई जगह पावर कट्स हुए, बिजली सप्लाई बाधित हुई, लोगों को परेशानी हुई, आम जनजीवन प्रभावित हुआ। और आपको बता दें, बारिश आंधी तूफान की वजह से कई जगह जो कार्यक्रम आयोजित किए गए थे वहां भी बाधा देखने को मिली। देर रात आंधी आई और तेज बारिश हुई, जिसकी वजह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है और कई जगह कई कार्यक्रम जो आयोजित किए गए थे वहां भी क्या प्रभाव देखने को मिला, उसकी कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल शाजापुर में बड़ी खबर ये कि आंधी और तूफान की वजह से पावर कट हुआ और तूफान के चलते शहर की बत्ती गुल हो गई। तेज हवाओं के चलते बारिश हुई, बारिश के साथ साथ जो बिजली सप्लाई थी वो प्रभावित हुई और पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। तस्वीरें साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं शाजापुर से भी। तो मौसम बदला है और मौसम इस कदर बदला है कि इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मौसम का मिजाज बदला है और तेज आंधी तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई है। इसका असर ये हुआ है कि पूरे शहर में ब्लैकआउट की स्थिति है, बिजली कुल हो गई है। कई इलाकों में तेज आंधी तूफान के चलते पेड़ धाराशाही हो गए हैं और बिजली के तार टूटने की सूचना भी है। मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था उसके मुताबिक तेज हवाओं के साथ बारिश होगी वो सच साबित हुआ है। जो सिस्टम सक्रिय हुआ है उसके मुताबिक आज और कल मौसम इसी तरीके का बना रहेगा। तो तेज आंधी तूफान के साथ शाजापुर में भी बारिश चल रही है और इसका असर साफ देखा जा रहा है। सुनील हंचौरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, शाजापुर।
और सीहोर में मौसम के बिगड़े मिजाज के चलते तेज बारिश हुई और उसके साथ ही कुछ जगहों पर ओले भी गिरे। रेहटी तहसील के चकल्दी सहित आसपास के गांव में तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई और कई जगह पर ओले भी गिरे। तेज हवाओं के चलते जहां कई पेड़ धराशायी हो गए तो कहीं पर बिजली की तारों से पेड़ टकराए और ऐसे में बिजली प्रभावित हुई है। बिजली के तारों पर पेड़ गिर जाने की वजह से पावर सप्लाई प्रभावित हुई है। तेज बारिश और ओला गिरने के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और इंदौर में कार और बाइक की जोरदार टक्कर का दुर्घटना का मामला सामने आया। दरअसल यहां इस दुर्घटना से नाराज भीड़ ने कार में आग लगा दी और दमकल के पहुंचने से पहले कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। सड़क हादसे में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और MY अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया। घायल तीनों बाइक सवार धार्मिक यात्रा से लौट रहे थे और इस दौरान ये हादसा हो गया और हादसे के बाद नाराज लोगों ने यहां पर कार को आग के हवाले कर दिया। हालांकि जब तक दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचती तब तक आग पूरी तरह से कार को अपनी आगोश में ले चुकी थी और कार जल चुकी थी। दरअसल बाइक सवार धार्मिक यात्रा से लौट रहे थे, बताया जा रहा है। जो ये टक्कर हुई, इस दुर्घटना के बाद लोगों में नाराजगी देखी गई और गुस्साई भीड़ ने कार को आग के हवाले कर दिया। और अगली खबर जबलपुर से, जहां सड़क निर्माण के निरीक्षण का विधायक का अनोखा तरीका, खुद ऑटो चलाकर सड़क निर्माण का उन्होंने निरीक्षण किया। कैंट विधायक अशोक रोहाणी ने सवारी ऑटो चलाकर सड़क के सपाट होने का निरीक्षण किया। दरअसल ऑटो चलाते विधायक का वीडियो सामने आया, ये इलेक्ट्रिक रिक्शा चलाते नजर आए और रांझी के मोनी तिराहे से उन्होंने बड़ा पत्थर तक सड़क का जो निर्माण हुआ है उसका निरीक्षण किया। और तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल विधायक महोदय खुद ई रिक्शा चलाते नजर आए और ई रिक्शा चलाकर उन्होंने जायजा लिया कि आखिर सड़क निर्माण किस तरह का हुआ है, कहीं कोई घटिया या फिर निर्माण सामग्री की वजह से या किसी ऊंच नीच की वजह से वाहन चालकों को परेशानी तो नहीं होगी। खुद उन्होंने इसका निरीक्षण लिया। और रायपुर से बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, भारत को विकसित राज्य बनाना है तो आर्थिक जनगणना जरूरी है। सीएम ने ये सुझाव दिया है और संघीय व्यवस्था में राज्य के अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा। और केंद्र से बकाया राशि की वो मांग कर रहे हैं। केंद्र से 4177 करोड़ रुपए की राशि की मांग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं। राज्य के बकाया राशि को जारी किया जाना चाहिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा। और साथ ही कहा कि अगर संघीय व्यवस्था है तो इसमें राज्यों के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए और साथ ही अगर पूरे देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो इसके लिए आर्थिक आधार पर जनगणना की आवश्यकता उन्होंने जताई है। और केंद्र सरकार से 4177 करोड़ रुपया जो राज्य का बकाया है उसकी भी मांग की है। कल नीति आयोग की बैठक थी और बैठक में मुख्य रूप से जो बातें छत्तीसगढ़ से संबंधित है उसे मैंने उठाया है। तो सेंट्रल एक्साइज का जो पैसा है जो हमको मिलना चाहिए था उसमें से 2600 करोड़ से कम मिला है, उसे देने की बात है। खाद्य विभाग में भी हमारे पैसे 1000 करोड़ के आसपास है, उसे मैंने मांग की। यदि भारत 2047 में विकसित राष्ट्र उनको बनाना है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जाति जनगणना होना चाहिए, आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए। 2021 के बाद से आज तक तो नहीं हुआ। और बीजेपी का मिशन बस्तर, दरअसल बस्तर दौरे पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी 4 दिन के दौरे पर ओम माथुर यहां आ रहे हैं। दरअसल सभी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और नारायणपुर और कोंडा गांव में आज दौरा करेंगे ओम माथुर। दरअसल चुनावी रणनीति पर भी मंथन होगा। 4 दिन के दौरे पर ओम माथुर पहुंच रहे हैं, सभी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात होगी। और कोरबा में पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने बड़ा बयान दिया।
ननकीराम कंवर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को जिताने के लिए काम करूंगा। उन्होंने कहा कि यदि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो राजनीति छोड़ दूंगा। तो गाली दिया था उस दिन, पता है क्या बोलते हैं, मैं बीजेपी छोड़ दूंगा। वैसे तो कुछ गुंजाइश तो नहीं है। नहीं, मैं तो बतला रहा हूँ बीजेपी को जिताने के लिए काम करूंगा। लग रहा है 2023 में आएगा। 2023 रायपुर में शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने राजनीति में धर्म की परिभाषा पर कहा कि राजनीति, राजधर्म, दंड नीति, अर्थनीति और छात्र धर्म पर्यायवाचक हैं। राजनीति में तुष्टिकरण पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि राजनीति के नाम पर तुष्टिकरण अभिशाप है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में 4 शिक्षाविद ब्राह्मण, 8 रक्षाविद क्षत्रिय, 21 अर्थशास्त्र के वरिष्ठ विशेषज्ञों का होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आजकल देश में राजनीति के नाम पर उन्माद हो रहा है। और कोरबा में आबकारी मंत्री कवासी लखमा का अनोखा अंदाज देखने को मिला। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक वाद्य यंत्र को बजाते दिखाई दिए। बुधवारी बाजार स्थित आदिवासी शक्ति पीठ में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री कवासी लखमा शामिल हुए और मांदर की थाप पर थिरकते नजर आए। कांकेर में घर में किचन में सांप नजर आया, जिसके बाद घर के लोग दहशत में आ गए और फिर नाग को पकड़ने की कवायद शुरू हुई।